Master India. हिंदुस्तान के हर शहर से इसकी जो जर्नी थी वो हर स्टेट हर शहर का बच्चा यहाँ परफॉर्म करने आया। डांसर पे विशाल परफॉर्मेंस हुई यहाँ पर और यहाँ कुछ परफॉर्मेंस ऐसे थे, परफॉर्मर ऐसे थे जो दिल को छू गए हमारे और कुछ परफॉर्मर ऐसे थे जो आगे बढ़ गए और अपनी बुलंदियों को शुमार करते करते आज ग्रैंड फिनाले में आ चुके हैं। थैंक यू सो मच। और यहाँ जजेस जो है ऋषिका जी एंड अमित सर वो भी तैयार है। सालों से क्या देखा मैंने एक सपना, नाम बड़ा कर लूं मैं अपना, डांस दिखा के जो जोश निकालूं वो जोश लगेगा तुमको। तो पहला कंटेस्टेंट है वो एनर्जेटिक भी है, तैयार भी है, क्रिएटिविटी भी उसके पास है और वो हमेशा जब भी आता है नया लाता है। और मैं बोलना चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन मेरी लड़की एक ही ग्रैंड फिनाले तक पहुंची है, मेरे को इसमें बहुत खुशी हो रही है, मैं प्राउड फील कर रहा हूँ। मैं हर रोज 6 to 7 आवर्स प्रैक्टिस करती हूँ और मेरे कोरियोग्राफर का नाम है बिजु मास्टर। मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरी स्टूडेंट प्रतिमा पाल आज इस ग्रैंड फिनाले में पहुंचे और मैं प्राउडली बोलूंगी ऑल द बेस्ट प्रतिमा। ऑल द बेस्ट प्रतिमा। सफर कारवा डांस मास्टर इंडिया का था जिसमें से ये प्यारे प्यारे जो आपको देख रहे हो परफॉर्मेंस चार जो है वो ग्रैंड फिनाले की एक ट्रॉफी जो है उसके लिए कंटेंडर है और उसकी तैयारी कर चुके हैं। और अब है बारी कमेंट की, मतलब नाइस प्रतिमा, बहुत अच्छा किया आपने डांस। आपको पता ही है ग्रैंड फिनाले, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ओके थैंक यू। थैंक यू सो मच। हेलो, मेरा
मेरा नाम संजना नागर है। मुझे फाइनल में पहुंच कर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं डांस मास्टर इंडिया का फाइनल जीतना चाहती हूँ। मैं एक यूपी के एक छोटे से शहर उरई में रहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अपनी बच्ची को फाइनल में देख के। मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची फाइनल जीत कर आए। संजना नगर हमारे यहाँ की बच्ची है, काफी अच्छी बच्ची है। डांस में काफी इंटरेस्ट रहता है उसका। काफी टाइम से उसको मैंने देखा डांस करते हुए और अभी डांस मास्टर में पार्टिसिपेट किया। उसने होप वो आगे जाए और हम लोग उम्मीद करते हैं वो विनर हो के आए। जाने कैसे बांधे तूने प्रेजेंटेड बाय विमल टीएमटी सरिया, मजबूत निर्माण की शान। डीलर ऑफ ग्वालियर मिस्टर देवेश अग्रवाल। पावर्ड बाय द मानवेंद्र ग्लोबल स्कूल, आनंद नगर घोड़ापुर रोड ग्वालियर। ऑनर श्री राजेंद्र सिंह तोमर जी। को पावर्ड बाय अंबा शक्ति टीएमटी 500 रायरू एचओडी मिस्टर पदम प्रताप सिंह। कैमरा पार्टनर कमल प्रोडक्शन ग्वालियर। म्यूजिक पार्टनर हर्ष के गर्ग चिलिका स्टूडियो ग्वालियर। गिफ्ट पार्टनर हेलो किड्स C9B बसंत बिहार ग्वालियर। प्रिंट मीडिया पार्टनर मनीष ग्राफिक्स ग्वालियर एंड कमल शाह बाबा ग्वालियर। एंड आउटडोर पार्टनर्स सावरिया सेठ एडवर्टाइजर्स ग्वालियर। होने वाला है उनका नाम है तोड़ परफॉर्म है। और जब भी आते हैं स्टेज में एक बोलते ना एनर्जेटिक सी फील होती है, सारे ऑडियंस में एक माहौल सा बनता है, उनको डांस करने का मन करता है खुद पर खुद। और हमारे बीच में आप समझ ही गए होंगे मैं किसका नाम लेना चाह रहा हूं, वो नाम है द इनक्रेडिबल हिप हॉप पर। एक बार तालियां हो जाए, यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन। कांग्रेचुलेशंस द इनक्रेडिबल
और अब सर का जो कमेंट्स है उसके लिए हम लोगों को सुना पड़ेगा। सर क्या कहना चाहते हैं आपकी जो परफॉर्मेंस के लिए? फैन भी लगते हैं मुझे, अमित सर तो आपके फैन है, मुझे बता रहे थे कि आपके वो बड़े फैन है। क्या जादू कर रखा है आपने? बस यस, नाइस परफॉर्मेंस, थैंक यू। सेम कहूंगा कि ग्रैंड फिनाले रिजल्ट बाद में मिलेगा। थैंक यू सो मच। हम सोचते भी हैं, बताते भी हैं, और मुझे उनकी परफॉर्मेंस का मैं फैन हूँ। वो बहुत प्यारे परफॉर्मर हैं, अलोन डांस क्रू। एक बार ताली हो जाए प्लीज एवरीवन। मैं डांस स्टूडियो का कोरियोग्राफर अजय कुशवाहा हूँ। मैं अभी डांस मास्टर इंडिया टीवी शो के लिए हम लोग ग्रैंड फिनाले में सिलेक्ट हुए हैं, और मैं इस शो के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हुई है इस शो के लिए। मेरे सभी बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हुई है डांस मास्टर इंडिया के लिए। इसके लिए हम लोगों ने दिन रात एक कर दिया है इस शो में आने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि इस शो में मैं बहुत आगे तक जाऊँ और विनर बनूँ। मुझे आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। इसके लिए मेरे बच्चों ने काफ़ी मेहनत की हुई है। रिशिका राणा है, ये मेरे ग्रुप का सेंटर है, ये काफ़ी अच्छा डांस करते हैं सेंटर में। ये रागनी है, ये भी बहुत अच्छा डांस करते हैं, और ये लास्ट 4 ईयर से डांसर है, और मेरे ग्रुप के असिस्टेंट भी हैं, काफ़ी अच्छा डांस करते हैं, कोरियोग्राफ करते हैं। सभी बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है इस शो के लिए। और मेरा एक स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा अभी इंजर्ड है, बट फिर भी वो डांस कर रहा है। वो चाहता है कि मेरा ग्रुप आगे जाए, और पूरी मेहनत से मेरे ग्रुप के लिए वो डांस कर रहे हैं। वो है भूपेन, मेरा ग्रुप का बहुत अच्छा डांसर है, और वो अभी फिलहाल ही इंजर्ड हुआ है डांस करके, चोट आई हुई उसको अभी, बट फिर भी वो डांस कर रहा है। वो चाहता है कि आगे जाए। आप लोगों का सपोर्ट हम सब लोगों को चाहिए, और हम चाहते हैं आप लोग हमें सपोर्ट करें, और हम आगे जाए, इस शो को जीते इस शो को, और हम लोग वादे का नाम रोशन करें, और ये बच्चों अपनी अपने फ्यूचर बनाए ये बच्चे अपने इस शो के द्वारा, और सब लोग आप मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू वेरी मच।
हम लोग ग्वालियर से हैं और हर संडे डांस मास्टर इंडिया का हर एपिसोड देखते हैं, जिसमें हमारे ग्वालियर का अलोन डांस ग्रुप भी परफॉर्म कर रहा है और दिन पे दिन उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता जा रहा है। नाउ दे आर इन फाइनल राउंड, सो वी ऑल होप दैट दे विल बी विनर। अलोन डांस ग्रुप ग्वालियर, अलोन डांस ग्रुप ग्वालियर। डांसर की क्वालिटी, डांसर की नहीं, खतरनाक डांसर की क्वालिटी।
ओके डांस मास्टर इंडिया में आज ये जो माहौल हम लोग जिन दो शख्स जिनकी बदौलत आज हम लोग सारे लोग एक ही जगह इकट्ठा हुए हैं जमा हुए हैं और ये प्यारी प्यारी खूबसूरत एकदम ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देख रहे हैं वो इन दो प्यारे प्यारे दोस्तों की बदौलत आज साकार हो पाया है। ग्वालियर में एक छोटी बात नहीं है, ग्वालियर के प्लेटफॉर्म पर सारे लोगों को इकट्ठा करना, एक सेट बनाना और शोज बनाना, और वो दो शख्स जो हैं उनका नाम हमारे बीच में सब जानते हैं, उनको मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं जिनका नाम है विमल और एक का नाम है लोकेश। एक बार बुलाना चाहूंगा मैं मेरे दोस्त विमल और लोकेश को, प्लीज कम ऑन द स्टेज गाइज, आ जाए क्योंकि आपकी मेहनत के अलावा ये शो मुमकिन नहीं था, सच में माय हार्ट ये बात कहना चाहता हूं मैं। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, एक बार तालियां बजा दीजिए। मेक सम नॉइस फॉर द डेसी बॉयज, द बॉयज, द बॉयज। ये हमारे बीच में मेरे दोस्त हैं विमल और काफी एंटरटेनिंग पर्सन है, हर किसी इंसान को फ्रैंक है, लोगों की मदद करते हैं और डांसिंग का ये जुनून है जो आज हम लोग सारे लोग एक छत के नीचे हैं, अपनी अपनी प्रतिभाएं और अपनी अपनी क्रिएटिविटी को हम लोग इस स्टेज पर सजो रहे हैं। विमल जी क्या कहना चाहोगे, आपके दो शब्द जो बहुत महत्वपूर्ण है इन आपके छोटे छोटे भाइयों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं डांसिंग की। हेलो एवरीवन, मैं बोलना इतना चाहूँगा काफ़ी बस कि काफ़ी बड़े बड़े टीवी रियलिटी शोज़ अभी चल रहे हैं और काफ़ी छोटे छोटे शहरों में भी डांसर्स हैं जो वहाँ वो लोग पहुँच नहीं पाते हैं, क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि वो जो शोज़ होते हैं बड़े बड़े सिटीज़ में ही ऑडिशन पुट अप करते हैं, और बट हम लोग टारगेट ये रखते हैं, हम लोग छोटी सिटीज़ और बड़ी सिटीज़ दोनों को कवर करते हैं, हर सिटीज़ में ऑडिशन देते हैं। अभी हम लोगों ने 25 सिटीज़ में ऑडिशंस दिए हैं और ये हम दोनों की ही मेहनत है, और प्लस मैं अपनी टीम को इनवाइट करना चाहता हूँ, टीम DMI प्लीज कम ऑन द स्टेज। एंड HOD ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट धर्मेंद्र कुशवाहा आल्सो। आज विमल और लोकेश की एक टीम है, इनके सारे के सारे हैंड्स हैं ये आज यहाँ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच गाइस। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम दोनों की छोटी बड़ी चाहे जैसी मुश्किलों में हमारा जो साथ देते हैं वो मेरे पापा जी देते हैं, और उनके बिना मतलब मैं ये शो कंप्लीट करने से चूक जाता हूँ अगर वो नहीं होते तो। बहुत खूबसूरत चीजें हैं जो आपके पास है, ये कभी ना खोने वाली और आपके ना हाथ से निकलने वाली चीज है, इनका इज्जत कीजिए, एक बार तालियां हो जाए अपने माँ बाप के लिए, थैंक यू सो मच गाइस। बतालिया हो जाए एवरीवन सर के लिए। यार ऐसे सपोर्टिंग डैड जिसके हो वो क्या नहीं कर सकता हिंदुस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड में, इस दुनिया में क्या नहीं कर सकता। कांग्रेचुलेशन आपके परिवार के लिए, आपकी फैमिली के लिए। सर मैं ये थोड़ा सा आपकी वक्त जाया करूंगा मैं आपका, आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और मैं भी बोलना चाहूंगा कि क्या मतलब आपसे जिद करते हैं कि मुझे डांसिंग की तरफ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ग्वालियर के जितने भी मॉम डैड हैं, जितने भी माँ बाप हैं वो इस पेशा है उसमें हेल्प करते हैं, आपके अंदर एक जहन में एक वो बात नहीं आती जो और मॉम डैड में आती है, जो माता पिता में आती है। देखिए माँ बाप जो है बच्चों की यही चीज है, दो लाइन में एक गण माँ बाप जो होते हैं वो सच में बच्चों के लिए जीते हैं, जिस दिन बच्चे माँ बाप के लिए जीने लगे ना मेरे भाई, तो हमारा हिंदुस्तान मुल्क जो है ना वर्ल्ड में नंबर वन हो जाए, एक बतालिया हो जाए हमारे मॉम डैड के लिए, थैंक यू सो मच गाइस। एंड प्लीज बुलाना चाहता हूँ प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन हमारे प्यारे से डांस मास्टर इंडिया के जजेस, प्लीज कम ऑन द स्टेज सर, मैम प्लीज। हमारे बीच माननीय श्री पदम प्रताप जी हमारे बीच मौजूद हैं जो अंबा स्टील के HOD हैं,
और हमारे बीच हमारी नजरों के सामने है, थैंक यू सो मच सर, कम ऑन द स्टेज सर। फाइनली वो टाइम आ गया है एंड प्लीज जो हारा जो जीता, गाइस इट्स ऑल अबाउट टू परफॉर्म फॉर योरसेल्फ फॉर एवरीवन हु लव्स यू, तो ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है? जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये आपका एंड नहीं, ये आपका स्टार्ट है, तो ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखना, ओके गाइस। और यार जो ग्रैंड फिनाले के यार जो चारों कंटेस्टेंट हैं, जो दिल और जान से आज परफॉर्म किया है, जिन्होंने स्टेज को फाड़ा है, स्टेज को तोड़ा है और पलंग तोड़ परफॉर्म के बावजूद हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, प्लीज आ जाएं। सो जो थर्ड रनर अप है डांस मास्टर इंडिया के, वो है प्रतिमा के लिए एक बार तालियों से प्लीज एवरीवन, तालियों मार के चलेगा, बता देना भाई कॉलेज से कौन सा भाग जीत रहा है। एंड जो सेकंड रनर अप है वो है संजना, हाथों से दे रहे हैं, थैंक यू सो मच, एक बार तालियां हो जाए प्रताप जी के लिए।